हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिकल फ्री गार्डनिंग। ये देख रहे हैं येलो कलर के मेरे 4 o'clock हैं। अब इनके खिलने का टाइम हुआ है। कल आंधी में बुरी तरह से ये इनके सारे फूल झड़ गए थे। ये मधुमालती के भी फूल झड़े हैं, देखिए ये नीचे पड़े हैं। बाद में आई भी नहीं ऊपर, अब आई हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं हुआ था, थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी, तो इसलिए मैं ऊपर छत पर नहीं आई, अब आई हूँ। वो भी फलों के छिलके वगैरह लेके आई हूँ। तो ये देखिए, ये मेरी मधुमालती भी सही सलामत, मैं तो सोच रही थी ये ना उड़ गई हूँ। खैर ये बच गए हैं। इसमें से मधुमालती मैंने रखे थे, इसमें कहाँ पे रखे थे वो उड़ गए हैं लग रहा। हाँ वो मधुमालती उड़ गई, बड़ी वाली, वो नहीं दिख रही है, शायद कहीं गिर गई है बुरी तरह से। वो खो गई तो खो ही गई, अब क्या कर सकते हैं इसमें। देखिए गेंदा मेरा अच्छे से खिलने लगा। ये कि मैंने इधर ट्रांसप्लांट किया था, छोटे पॉट में लगा था तो बड़े इसमें शिफ्ट कर दिया था, तो अभी अच्छे से चलने लगा है। और ये है मेरा ऑरेंज, इसके दो दो तीन तीन शेड आ रहे हैं। बहुत इजी टू ग्रो, इजी टू मेंटेन, बहुत अच्छा प्लांट है, सिंपल सा, आराम से चलता रहता है। ये देखिए इधर ये भी चल रहा है, बहुत बढ़िया से चल रहा है। उधर वो है, इधर ये येलो है, इसमें डबल शेडेड हो रहा है। देखिए ये कुछ रानी कलर मिक्स हो रहा है, पता नहीं कहाँ से रानी कलर ये पॉलिनेटर द्वारा कर दिया गया है। तो ये भी है, बहुत इजीली ग्रो होता है, हर जगह मेरे सभी प्लांटर में लगभग ये निकल आए हैं। जहाँ जहाँ सीड गिरे हैं अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं, नेचुरली ग्रो होने लगते हैं। तो ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये, और बहुत क्वांटिटी में खिलते हैं। अगर आपको पूजा करते हैं सुबह में, तो पूजा के लिए सुबह 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 तो खिले रहते हैं, मगर सब धूप निकलती तभी हम बंद हो जाते हैं। तो आप इनको ज़रूर लगाइए अपने गार्डन में, बहुत सुंदर फूल होते हैं, काफ़ी फूल आते हैं। एक तो कलर बिल्कुल चेंज है, दूसरा कलर है ये, क्योंकि मैंने जो पिंक कलर होता है वो तो मैंने बहुत देखा है, पर ये ऑरेंज और ये येलो, ये मैंने दो कलर कम देखे हैं लोगों के यहाँ। तो मेरे यहाँ काफ़ी है, ये बहुत ज़्यादा उग रहे हैं। देखिए ये भी एक प्लांट है, इधर एक प्लांट ये है, इसमें भी दो प्लांट, तीन प्लांट इसमें लगे हुए हैं। बहुत तो मैं दे आई, और इसमें ये लगा हुआ है, एक इसमें लगा है, एक इसमें उग रहा है। ये देखिए बहुत सारे प्लांट हो रहे हैं ये बाल 4 o'clock के, जिसे गुलामास भी कहते हैं। तो ये काफ़ी फूल भी आ रहे हैं, काफ़ी फूल आ रहे हैं। अभी सीड नहीं दिख रहे हैं, शायद सीड कुछ दिनों में बनने लगे, या फिर कल शायद मैं आंधी में उड़ गए हैं सारे, तो ये ख़त्म ही हो गए। ये देखिए ये टिप इनकी सब बेकार हो गई आंधी की वजह से, जो सॉफ्ट सॉफ्ट टिप होती है ना, वो इनकी बिल्कुल बेकार हो गई मधुमालती की कल आंधी की वजह से। तो ये काफ़ी इजी टू ग्रो, इजी टू मेंटेन प्लांट है, आप ज़रूर लगाइए अपने गार्डन में, जगह दीजिए। मिट्टी किसी भी तरह की मिट्टी हो उसमें चल जाते हैं, बस ये हार्ड नहीं होने चाहिए, हार्ड मिट्टी इन्हें पसंद नहीं है बिल्कुल। और ये देखिए मिनी सनफ्लावर, और ये प्लांट निकला है, एक गुलाब निकला था वो मैंने उखाड़ कर फेंक दिया था, क्योंकि वो गुलाब को पूरा कवर अप कर रहा था। हाँ इसमें एक आध सीड निकल आया, ये देखिए ये सीड होते हैं इसके, इस टाइप के ब्लैक कलर के हो जाते हैं फूल बनने के बाद में। हाँ इसमें कई एक निकल आए हैं, इसमें मैच्योर हो गया है जनी क्या, ये इसमें ये कई तरह के सीड्स निकल आए हैं। ये देखिए कई निकल आए हैं, ये देख रहे हैं आप ये। तो आप इन्हें अगर स्प्रिंकल कर देंगे, ऐसे ही डाल देंगे ना, तब भी ये उगाते हैं, बहुत ईजीली ग्रो हो जाते हैं ये, कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर लगाना पड़ता है इसमें, बहुत आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है ये। देखिए ये काफ़ी बड़े बड़े प्लांट हो गए हैं मेरे गार्डन में। ये देखिए एक ये है सीड, तो आप अगर सीड को इन्हें ऐसे ही डाल देंगे ना, स्प्रिंकल कर देंगे इस तरह से मिट्टी में, ऐसे करके ऐसे मिट्टी गुड़ाई करी, और करने के बाद में इसी तरह से आप थोड़ी थोड़ी दूरी पर डाल दीजिए, और मिट्टी से कवर कर दीजिए, और फिर इसे पानी को सूखने दीजिए, पानी बराबर डालते रहिए, तो बहुत आसानी से अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं। 8 दिन लगते हैं इन्हें ग्रो होने में, आराम से ग्रो हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती इनमें। और ये मेरे बालसम ही कुछ निकल रहे हैं, ये देखिए ये है। तो आप इन्हें अपने गार्डन में ज़रूर जगह दीजिएगा। तो फ्रेंड्स इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और इसकी मिट्टी किस तरह की रखनी चाहिए, बस मैंने कहा किसी भी तरह की मिट्टी हो,
हर तरह की मिट्टी में चल जाते हैं, और थोड़ा सा धूप कम मिले तो भी चलेगा। 4 से सुबह सुबह की धूप मिले 2-4 घंटे की तो चल जाता है। जैसे 7 बजे अगर धूप निकलती है आपके यहाँ, अभी तो 5:15 भी धूप निकल आती है, तो अगर 10 बजे तक की धूप मिलती है तब भी ये अच्छे से वहाँ चल जाएंगे। बहुत तेज़ धूप इन्हें बर्दाश्त नहीं होती है। देखिए इसकी भी गुलाब की छाया पड़ती है इधर, और सभी में मेरे इसी तरह के छाया मिलती है इन्हें, तो ये आसानी से चलते रहते हैं, है ना। तो तेज़ धूप दोपहर की ना मिले तो भी आराम से चल जाते हैं। फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगता है प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स।